नमस्कार, आप देख रहे हैं KYNpost.com। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक माल गोदाम में रखे सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया, जिससे चार लोग घायल हुए हैं। वहीं आसपास के घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। यह हादसा आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जो वर्सोवा के यारी रोड स्थित रिहायशी इलाके में हुआ, जिस वजह से आसपास के घरों में डर और घबराहट का माहौल बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें तेज धमाकों की आवाज और आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। फायर डिपार्टमेंट ने इसे लेवल 2 फायर एक्सीडेंट करार दिया है, जिसके लिए दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन LPG गैस सिलेंडर होने से यहां आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। घटना में घायल हुए लोगों में से 2 लोगों का 60% तो वहीं अन्य 2 का 40% बर्न इंजरीज हुई है और उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह 24 घंटे में आग लगने की चौथी घटना है। इससे पहले मुंबई के मानखुर्द और मीरा के अलावा गोरेगांव वेस्ट में आदि पुरुष फिल्म के सेट पर आग लगने की दुर्घटना हो चुकी है। वर्सोवा MLA डॉक्टर भारती लवेकर ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। वहीं मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास के इलाकों में LPG सिलेंडर स्टोरेज होने की रिटर्न एप्लीकेशन हमें दें, जिससे उनकी जाँच कर गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। KYNpost.com के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।